हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एंड एंटरटेनमेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एंटरटेनमेंट में। तो फ्रेंड्स, झारखंड स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एग्जामिनेशंस के बारे में जो सिलेबस है उसको देखते हुए झारखंड जेएसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि फॉर्मेट भी पता चले और हूबहू 50% क्वेश्चंस हूबहू पिछले साल के क्वेश्चंस दिखाई पड़ते हैं एग्जामिनेशंस में। इसको देखते हुए हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर्स के वीडियोस पार्ट बाय पार्ट, स्टेट बाय स्टेट ला रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडियन रिजर्व बटालियन के एग्जामिनेशन में 2017 में पूछे गए थे, उनको कवर कर रहे हैं। तो आज हम जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन को शेयर कवर कर रहे हैं, झारखंड जीके के इतर जो पूरे इंडिया के सभी सब्जेक्ट से, साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस लिए गए थे उनको हम करेंगे, उनको डिफिनेशंस के साथ आंसर भी जानेंगे और उसके बारे में कुछ बात भी करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो, और इस तरह के पल पल के अपडेट के लिए और अपने तैयारी को धारदार बनाने के लिए, अपना स्थान पक्का करने के लिए, वर्दी पाने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेड बेल आइकन को प्रेस कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके जो दोस्त इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके पास शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो में बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र को पहचानें जिसमें बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है। तो डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टू, इंटरनेट आधारित कॉल करने और प्राप्त करने के लिए स्काइप सबसे लोकप्रिय अनुप्रयोगों में से एक है। इस प्रोग्राम की पहली बीटा कब रिलीज हुई थी? तो इस स्काइप एक सॉफ्टवेयर है, तो उसकी पहली बीटा 2003 में रिलीज़ हुई थी, 2003 में इसकी बीटा रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगा? तो अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद 74(1) है, ये कहता है कि प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, संविधान ने 100वां संशोधन अधिनियम जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्रों और कुछ निषिद्ध क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरण करने से संबंधित है, किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये 100वां संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया था, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज़ में कुछ क्षेत्रों को अदला बदली किया गया और यहाँ के लोग को वहाँ और वहाँ के लोग को यहाँ, इस तरह से और क्षेत्र के ज़मीन की अदला बदली की गई। क्वेश्चन नंबर फाइव है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के फिलोसॉफी और आइडियल्स प्रतिबिंबित हैं? तो फिलोसॉफी और आइडियल्स को प्रीएम्बल, जिसको कि प्रस्तावना कहते हैं, उसमें रखा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि प्रीएम्बल्स। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे भंगार दिया गया, तो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी, भंगार। ग्राम पंचायत, क्वेश्चन नंबर सेवन है, ग्राम पंचायत गांव का कार्यकारी निकाय होता है, इसकी अगुवाई कौन करता है? तो इसकी अगुवाई फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर होता है, पंचायत के स्तर पर होता है, पंचायत चुनाव हुए हैं, तो इनका अगुवाई सरपंच करता है, इनका सचिव सरकार के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो गैर निर्वाचित, गैर इलेक्टेड, नॉन इलेक्टेड होता है, मतलब चुनाव के द्वारा नहीं आता, जिसे कि पंचायत सचिव कहते हैं, जिसका एग्जाम जेएसएससी ने पिछले बार लिया था, वो सचिव होता है ग्राम पंचायत का, और अध्यक्ष सरपंच होता है, अगुवाई सरपंच करता है। अगला क्वेश्चन से एट, निम्नलिखित में से एक फलीदार फसल की पहचान करें। तो बाजरा है, दाल है, ज्वार है, मूँगफली है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, दाल, दाल ही फलीदार फसल होता है। अगला क्वेश्चन से नाइन, 2017 के समाचारों के अनुसार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अगस्त 2017 में हरमनप्रीत कौर को, क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है, राफेल नडाल ने पुरुषों के एकल वर्ग में 2017 यूएस ओपन खिताब जीता, उस देश की पहचान करें जिसके वह निवासी थे। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स नहीं है, वो किस देश के निवासी थे, तो वो स्पेन के निवासी थे, स्पेनिश प्रोफेशनल हैं और ये प्रोफेशनल खेल खेलते हैं, स्पेनिश प्रोफेशनल हैं, टेनिस 2017 ओपन के खिताब भी जीते थे राफेल नडाल। क्वेश्चंस नंबर 11 है, हाँ 11 देखते हैं, 11 है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उस कप्तान का नाम बताइए जो कि जुलाई 2017 महिला ओडीआई क्रिकेट में 6000 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो मिथाली राज, तो मिथाली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान है जो कि 6000 से ज़्यादा रन बनाई, महिला क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेक्युलरिज्म शब्द प्रियम्बल में 1976 के कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया? धर्मनिरपेक्षता का शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा ही लागू किया गया था। तो इसका आंसर बी होगा। 13, भारत में भारतीय सशस्त्र बलों को दिए जाने वाला बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? निम्नलिखित में से परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, परम वीर चक्र और वीर चक्र। तो परम वीर चक्र सबसे बेस्ट है और सबसे हाईएस्ट मेडल है जो कि सशस्त्र बलों को दिया जाता है। 14 है, यह ब्रेड गेहूं से बनी होती है और आकार में अंडाकार होती है, आमतौर पर हल्के नमकीन मक्खन चाय के साथ खाया जाने वाला एक लोकप्रिय नाश्ता है, ब्रेड का यह लद्दाखी संस्करण कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है मोमोज, स्क्यू, खम्बीर, थुक्पा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, खम्बीर। और लद्दाख में से खमीर कहा जाता है, गोल टाइप का ओवल टाइप का ब्रेड होता है जिसे कि तेल और मक्खन और चाय के साथ खा सकते हैं। 15, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में मौजूदा ज्ञान को अद्यतन करने के लिए PLSI 2010 में लॉन्च किया गया, PLSI का अर्थ क्या है? तो यहाँ लैंग्वेज की बात हो रही है, तो PLSI का अर्थ हो जाएगा पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शंस बी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग भागों पर किया जाता है, पार्ट्स पर, जिन्हें माइक्रोस्कोप के अंतर्गत अच्छी तरह से दृष्टिगोचर किया जाता है? तो वैसे पार्ट्स जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सके, तो इसके में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस बी होगा माइक्रोसर्जिकल, छोटे छोटे पार्ट्स पर जब काम होता है तो उसको माइक्रोसर्जिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेटिकन सिटी की मुद्रा कौन सी है? तो वेटिकन सिटी की मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, राजधानी और देश की एक वीडियो हम डालने वाले हैं जिसमें सभी कंट्रीज़ के कैपिटल, राजधानी और उस वहाँ की मुद्रा को हम डालेंगे, 2-4 दिन में वो वीडियो आएगी। चैनल के साथ बने रहें, इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहेगी, देखते रहें और एग्ज़ाम में आसान बनाए रहा। 19 है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसने जीता? तो साइना नेहवाल ने 2010 में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल में। अगला क्वेश्चन सर 20, विदेश मंत्रालय 2013 भारत सरकार के अनुसार अरुणाचल प्रदेश कितनी भाषाओं के साथ भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों में सबसे समृद्ध है? तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 190 लैंग्वेजेज हैं, 100 सब लैंग्वेजेज हैं, डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेज हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अनुसार 2013 में 19 लैंग्वेज मुख्य रूप से वहाँ पे हैं और सबसे समृद्ध देश है, स्टेट है जहाँ भारत का, जहाँ की सबसे अधिक लैंग्वेजेस हैं। 21 है, अगस्त 2017 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू किए गए किस आंदोलन के 75 साल पूरे हो गए, मतलब कि 2017 में 75 साल पूरे हो गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, तो 1942 से लेके 2017 तक 75 ईयर हो जाते हैं। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर सी होगा। 22, पृथ्वी के वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन आसान है, वो ऑप्शन से इसको पकड़ना है, वायुमंडलीय विज्ञान। अगला क्वेश्चन 23, 1853 में ब्रिटिशों ने पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत
इनमें से किसके बीच की, कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था, तो ये क्वेश्चन ये चीज़ तो आप जानते हैं, कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था। तो पहली टेलीग्राफ लाइन कोलकाता और आगरा के बीच 1853 में चलाई गई और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये भी याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। 24 फरवरी 2015 में भारत के इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो इसरो के अध्यक्ष फरवरी 2015 में श्री एस किरण कुमार थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जनवरी 2015 तक शैलेश नायक थे, जनवरी 2015 तक शैलेश नायक थे और फरवरी में श्री एस किरण कुमार, इसलिए ऑप्शन को ध्यान देना है। 25 भारत के भूमि का क्षेत्र का लगभग 1% वाटरशेड प्रबंधन द्वारा इस राज्य में हरियाली लाई, इस राज्य में क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के भूमि क्षेत्र का लगभग 1% वाटरशेड प्रबंधन द्वारा इस राज्य में हरियाली लाई जा रही है, निम्नलिखित में से किस राज्य को संदर्भित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में ये वाटरशेड प्रबंधन का प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया ताकि जल को, भूम जल को स्तर को अच्छा बनाया जा सके, जल की बहुत संकट है। 26 सितंबर 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री हैं, तो ऑप्शंस को देखने से ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री, रविशंकर प्रसाद हैं टेलीकॉम मिनिस्टर, तो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे पंचायती राज मंत्री 2017 तक थे, ऑप्शन सी ये होगा। 27 फीचर फिल्म साहिब बीबी और गुलाम प्रतिभाशाली गुरुदत्त द्वारा निर्मित 1962 का संस्करण साहिब बीबी और गोलम पर आधारित है, या कौन से बंगाली लेखक द्वारा लिखा गया था, तो बंगाली लेखक विमल मित्र ने साहिब बीबी और गोलम लिखा था, जिसे गुरुदत्त ने डायरेक्शन किया और फिल्म बनी और बाद में इसको हिंदी में साहिब बीबी और गुलाम के रूप में उसका वर्सन बना। 28 है कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पत्रकार से एक्टिविस्ट बनी महिला ने अपने पिता पी लंकेश द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक लंकेश पत्रिका में संपादक के रूप में काम किया और 4 सितंबर 2017 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें मार दिया गया, वह कौन थी, तो गौरी लंकेश, ये तो बहुत फेमस हुई थी हत्या, इनका चर्चा में रहा था, तो ये आंसर आसान है, पत्रकार थी एक्टिविस्ट बनी थी और किसी ने मार दिया था, बहुत हंगामा हुआ था। 29 धन अर्जित करने के उद्देश्य से खरीदी गई परिसंपत्ति जैसे शेयर या संपत्ति क्या कहलाती है, तो निवेश कहलाती, ऑप्शन सी ये आंसर होगा, यानी कि लोग निवेश करते हैं धन अर्जित करने के लिए, कुछ अपने पैसे को शेयर खरीदते हैं तो उनका निवेश होता है ना कि वो खर्च होता है। अगला क्वेश्चन है 30 वर्ष 1918 यानी कि 1918 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो खेड़ा, गुजरात में खेड़ा स्थान पर नील किसानों के साथ सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है 31 किस वर्ष में फ्रांस के गणतंत्र द्वारा पांडिचेरी का प्रशासन भारत को सौंपा गया, तो 1954 जो कि ऑप्शन सी ये है, उसमें पांडिचेरी का प्रशासन भारत सरकार को सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन 32 है 2014 की फीचर फिल्म हैदर विलियम शेक्सपियर की त्रासदियों में से एक है ट्रेजडीज का रूपांतरण है, उस ट्रेजडी की पहचान के त्रासदी, तो हैमलेट के बेस्ड ही ये मूवी बनी थी हैदर, जिसमें कि शाहिद कपूर ने काम किया था। 33 निम्नलिखित में से सही या गलत की पहचान करें, कथन 1 है असम का मुख्य भोजन चावल है, कथन 2 है बिहू नृत्य असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों सही हैं, इसे ऑप्शन ये होगा 1 और 2 सही है। 34 1973 के दौरान बाघों की आबादी के लगभग 2/3 संख्या को आवास प्रदान करने वाले 2 देश हैं, यानी कि 2 देश मिलकर दुनिया के बाघों के 1/3 का स्थान है, तो भारत और म्यांमार दोनों देश को यदि बाघों की गणना की जाए तो इस संख्या पूरे दुनिया के 1/3 बाघ होंगे। 35
डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने घोषणा की है कि सारनाथ, बोध गया और ताजमहल जैसी सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों में डिजिटल सेवा दी जाएगी। निम्नलिखित में से डिजिटल सेवा की पहचान करें, तो वाईफाई को ताजमहल, बोध गया, सारनाथ में लगाया गया था डिजिटल इंडिया के तहत। 36, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा मुख्य लवण है जिसे लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 में प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी आंसर होगा, लोकसभा और संसदीय क्षेत्रों में सीटों का आवंटन और उन्हें भरना। अगला क्वेश्चन है 37, प्रधानमंत्री मोदी ने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना आधार कार्ड पर आधारित एक भुगतान भीम ऐप लॉन्च किया, भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। 38, भारत में 1990 के दशक के दौरान कृषि द्वारा प्रदान किया गया सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक तिहाई है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। 39, वे प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है प्राकृतिक या भौगोलिक अवरोध से अलग हो जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी होगा, स्थानीय प्रजाति। क्वेश्चन 40, कथन वह सबसे प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक थे, यह कथन निम्नलिखित में से किसके लिए? तो यहाँ पर सभी शासक हैं जलालुद्दीन खिलजी, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह। ऑप्शन डी होगा, मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत हैं। ऑप्शन डी होगा आंसर। 40 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं जीएस के, जो कि इंडियन रिजर्व बटालियन में पूछे गए थे। तो इस प्रकार के अन्य वीडियोज़ भी लाने वाले हैं, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।